हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन तो आज का जो वीडियो है उसी हवाले से पहले अपनी जितने भी मेंबर्स हैं इनसे पूछेंगे जी हम कि पाकिस्तान को इंडिया से सेपरेट होना चाहिए था या नहीं आप नहीं नहीं डेफिनेटली नहीं।, 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 नहीं अगर सेपरेट ना होते तो आज देखिए कि इंडिया कितनी बड़ी है मैं पूरे तकरीबन इस सब कॉन्टिनेंट में तो बड़े हैं पूरे हाँ। वर्ल्ड के सबसे बड़े तकरीबन देश होता और हाँ। आ, बहुत आपका जो इकोनमी है ना वो अब इंडिया की अगर चार ट्रिलियन पर है तो ये आठ पर होती हाँ जी बिल्कुल आठ से भी बल्कि ज्यादा ही होती हाँ। क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो टेंशन हैं वो ना होती जब वो ना होती तो आपका बहुत सारा बजट बहुत सारा पैसा जो कि आपका डिफेंस पर लगता है वो आपका प्रोग्रेस पर लगता है वो आपका डेवलपमेंट पर लगता तो मेरे ख्याल में चाइना से हम आगे होते हैं आज बिल्कुल है। तो चले देखते नेवर सेपरेटेड in अगर सेपरेटेड ना होते तो क्या होता तो ये क्या होता है जब यहाँ जो भी है वीडियो देखते हैं पहले और हमारी राय यही है कि सेपरेट ना होते तो बहुत आगे होते दोस्तों भारत को आजाद हुए पिचहत्तर साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस दौरान भारत में लगभग हर सेक्टर ने तरक्की करते हुए दुनिया को ये दिखा दिया है कि एक समय में जिस भारत के पास स्वी बनाने की कैपेबिलिटी नहीं थी वो भारत आज दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर एरोप्लेन तक मैन्युफैक्चर कर रहा है जिस भारत की जीडीपी कभी ब्रिटेन के हाथों में हुआ करती थी वही भारत आज इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में ब्रिटेन को पीछे छोड़ के दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ऐसा ही लगातार होता भी रहेगा लेकिन इन सब के दौरान क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की क्या होता अगर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग देश ना होकर के ऐसे यूनाइटेड इंडिया की तस्वीर होते जिसमें कभी पार्टीशन की लकीर ही नहीं खिंची होती एक बार इस सिचुएशन की इमेजिनेशन को कम करने के लिए आप बस इंडिया के मैप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बनी इन लाइन को मिटा देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा अब सोचिए कैसा होता वो यूनाइटेड इंडिया और क्या होती उसकी आज की कंडीशन क्या आज हमारे पास बांग्लादेश और पाकिस्तान होता तो हम दुनिया की पांचवी इकॉनमी की जगह दूसरी या तीसरी इकॉनमी होते इस व्हाट इफ में बहुत से पॉइंट जो डिस्कस किए जाने जरूरी हैं इसलिए आइए इस वीडियो में हम डिटेल से समझते हैं कि कैसा होता यूनाइटेड इंडिया ये सब समझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की नींव पड़ी कैसे और ये देश सिर्फ उन्नीस में अचानक ही भारत से अलग हो गया या फिर इसके बनने की कुछ और ही कहानी है तो जाहिर है कि कुछ और कहानी नहीं होती तो शायद इसे हम अपनी वीडियो का पार्ट नहीं बनाते इसलिए अब चलते हैं सबसे पहले उस टाइम पर जब देश में कॉलोनियल एरा पर जब अंग्रेजों का शासनकाल अपने चरम पर था अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा दिए थे जिसके विरोध में अठारह में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिल के अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति की वो भी ऐसी क्रांति की अंग्रेज सदमे में आ गए उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भारत पर ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत के लोग अपने देश को आजाद कराने के लिए पूरे मोटिवेशन के साथ लगे थे इसको खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहला काम जो किया वो ये था की उन्होंने भारत की दो सबसे बड़ी आबादी वाले धर्मो के बीच नफरत फैलाना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही अठारह में पहली बार एक कट्टर मुस्लिम नेता सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के लोगों के सामने रखी जिसमें उन्होंने भारत के धर्म के आधार पर दो देशों में बांटने की वकालत की थी क्योंकि उनका भाषण इतना अग्रेसिव था कि पहली बार जमीन पर आने के साथ ही साथ थ्योरी बहुत ही तेजी ऐसी पनपने लगी और इस बात को अंग्रेजों ने भी अपनी एक हरकत ऐसी और हवा तब दे दी जब उन्नीस में बंगाल का विभाजन कर दिया गया बंगाल के विभाजन के बाद ही उन्नीस में देश में पहली बार मुसलमानों लिए एक नेशनल पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी कहलाई इसके बाद टू नेशन थ्योरी को देखते हुए ही अंग्रेजों ने सॉफ्ट गेम भारत के लोगों के साथ खेला जिसमें उन्होंने 1909 और उन्नीस में दो अलग अलग रिफॉर्म्स के तहत भारत की अलग अलग धर्मों पर सेपरेट इलेक्टोरेट का लागू कर दिया अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था इसे आप ऐसा समझिए की अंग्रेजों के हिसाब से देश में जब चुनाव होता तो पहले से ही तय किया जाता कि किस सीट पर हिंदू वोट करेगा और किस पर मुस्लिम वोट करेगा जिससे देश की राजनीति में भी धर्म ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया और हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक सौहार्द बचा हुआ था वो खत्म होने लगा लेकिन अभी तक तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही एक अलग पार्टी बनाई गई थी पर 1915 में आकर पहली बार हिंदू सभा का भी गठन किया गया जिसमें देश के हिंदुओं के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए एक पार्टी शक्ल में आई जिससे बाद में 1925 में आरएसएस नाम की संस्था ने भी जन्म लिया जिनका मेन काम हिंदुत्व की फिलॉसफी को प्रोपोगेट करना था जिसमें साफ साफ कहा गया था कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है बल्कि ये एक पॉलिटिकल है जिसके दम पर वो अपनी पॉलिटिक्स को देश में फैलाएंगे और उनकी इस आइडियोलॉजी में ये कहा जाता था कि देश के लिए मुस्लिम और अंग्रेज दोनों ही खतरनाक है इनके साथ किसी भी तरह का कोई सहयोग समझौता नहीं किया जा सकता देश में हिंदू और मुसलमानों की आस्था राजनीति के साथ देश के बंटवारे का भविष्य तय करने के लिए आगे आ चुकी थी इसीलिए उन्नीस सौ लेकर उन्नीस तक भारत में कई सांप्रदायिक दंगे हुए और दोनों धर्मो के लोग आपस में एक दूसरे के लिए नफरत को बढ़ाने लगे लेकिन कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ था टू नेशन कॉन्सेप्ट था लेकिन वो कैसे कहां और किस नाम से बनेगा इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था लेकिन उन्नीस में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र ने पहली बार भारत से अलग मुसलमानों के लिए एक देश का जिक्र किया जिसका नाम उसने पाकिस्तान रखा जिसमें पंजाब डब्ल्यू कश्मीर सिंध और बलूच के हिस्से शामिल थे यही पाकिस्तान आगे चलकर पाकिस्तान की शक्ल बना उन्नीस में सावरकर ने भी मुस्लिम के लिए अलग अलग देशों की बात का समर्थन करते हुए टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर दिया जिसके बाद 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सावरकर की बात को सपोर्ट करते हुए देश में टू नेशन थ्योरी यानी की एक अलग पाकिस्तान को बनाने के लिए लग गए जिन्ना का कहना था की वो भारत को या तो डिवाइड करेंगे या तो डिस्ट्रॉय करेंगे लेकिन जिन्ना की ये सोच कभी भी सफल नहीं हो पाती अगर उन्नीस में ब्रिटिश इंडिया इलेक्शन को नहीं बुलाती क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने जब 1946 में इलेक्शन करवाए तब मुस्लिम लीग को समय 425 सीट मिल गई थी और कांग्रेस को करीब नौ सीट मिली थी कांग्रेस में सीटें ज्यादा थी पर एक बात साफ हो गई कि देश में मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने वाले लोग चाहते है की एक देश पाकिस्तान बने और ये लोग बड़ी मात्रा में थे ऐसा इलेक्शन का रिजल्ट देख कहा जा रहा था लेकिन इलेक्शन को जिस तरीके ऐसी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उस तरह से नहीं था क्योंकि इसमें यूनिवर्सल इलेक्शन नहीं हुआ था और इस चुनाव में वोट करने के लिए जो राइट कैंडिडेट थे उनके ऊपर बहुत सारे कंडीशन लगे हुए थे कि जैसे वो अमीर होने चाहिए टैक्स पेयर होने चाहिए उनके पास जमीन हो खुद का घर हो यानी एक तरह से चुनाव सिर्फ और सिर्फ देश के अमीरों के लिए ही करवाया गया था जिसमें सिर्फ देश के तीन से तेरह परसेंट पॉपुलेशन ने ही हिस्सा लिया था अब आप सोच सकते हैं कि क्या देश के बनने या ना बनने की कहानी को तीन से तेरह परसेंट लोग डिसाइड कर सकते हैं लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा ही किया क्योंकि 1940 में जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिनिस्टर चर्चली हुआ करते थे तब वो भी एक अलग पाकिस्तान की मांग को सही ठहरा रहे थे और वो इसका सपोर्ट भी कर रहे थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि जिस सोवियत यूनियन के सपोर्ट से भारत एक सोशलिस्ट नेशन बनते जा रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान जैसा एक देश ब्रिटेन के पास होना चाहिए वरना उसकी डोमिनेंस को खतरा होता हुआ भी यही और देश आखिरकार उन्नीस में पार्टीशियन के उस दौर से गुजरा कि 14 अगस्त को सिर्फ कहने भर का पार्टीशियन हुआ लोग लाखों की संख्या में अपने घरों से बेघर हुए और मारे भी गए इसीलिए इसे पूरे भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में ऐसी कहा जाता है और इसी दिन की वजह ऐसी नाथुराम गौट से ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी थी लेकिन दोस्तों पाकिस्तान बनने के पूरे डिटेल बातचीत में यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी कंडीशन में ये पॉसिबल था कि उस वक्त पाकिस्तान को बनने से रोका जा सकता था या नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है की अगर कोशिश की गई होती तो भारत का बंटवारा नहीं रुका होता लेकिन अंग्रेजों की सोच और देश की धार्मिक पॉलिटिक्स की वजह ऐसी ऐसा करना उस वक्त मुमकिन नहीं हुआ जिसके कुछ फैक्टर्स आरोप अगर हम डिस्कस करें तो आपको जानकर हैरानी होगी जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल सुभाष चंद्र बोस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और गांधी जी आखिरी वक्त पार्टीशन के खिलाफ थे लेकिन कांग्रेस को आखिर में जाकर देश को दो हिस्सों में बांटना ही पड़ा क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो मुस्लिम लीग की बात मानकर पाकिस्तान को अलग नहीं करते हैं तो वो अरब देशों के सपोर्ट से देश में दंग को और बड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं और तो और जिन्ना अपनी बात को मनवाने के लिए आजाद भारत को भी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करने देते जो उस समय भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था और उससे भी ज्यादा जरूरी था कि देश की शांति व्यवस्था बनी रहे हमारे पास उस वक्त ना तो हमारा संविधान था ना तो कानून था ना ही सारी रियासतें हमारे पास थी इसलिए काम ज्यादा था और कम्युनल रियस के लिए कोई जगह नहीं थी इसीलिए अंग्रेज और कांग्रेस दोनों ने ही पाकिस्तान के बंटवारे की बात को मान लिया दोस्तों अब आते हैं उस पॉइंट पर, जहाँ से हम आपको ये समझाएंगे कि अगर आज भारत यूनाइटेड होता तो उसकी शक्ल कैसी होती तो अगर ऊपरी ऊपरी तौर पर देखें तो ये बात तो साफ है कि हमारे पास शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम होने के साथ साथ हॉकी टीम भी होती क्योंकि बात अगर क्रिकेट टीम की की जाए तो कितनी बार कहा जा चुका है कि काश ऐसा होता कि शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर एक ही टीम में खेलते बाबर आजम और विराट कोहली ओपनिंग करते शाहिद अफरीदी और महेंद्र सिंह धोनी देश के कैप्टन रहे होते या फिर क्रिकेट से हटकर म्यूजिक की बात करें तो आज हमारे हिंद और उर्दू गानों की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें कितना रिच कंटेंट बन रहा रहा और फते अली खान, राहत फते सिर्फ ऊपर ऐसी देखने वाली बात होगी तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन का होता अगर आज ये तस्वीर कुछ ऐसी ही होती तो हमारा सबसे पड़ोसी देश अफगानिस्तान होता और अगर सैतालीस में हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान रहा होता तो शायद आज तालिबान का जन्म ही नहीं हुआ होता क्यूँकी तालिबान के जन्म की जो कहानी शुरू होती है वो है कोल्ड वॉर में सत्तर के दशक के दौरान जब अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से डायरेक्ट लड़ाई न करके इनडायरेक्ट तरीके से आपस में कम्पीट कर रहे थे ऐसे में सोवियत संघ उस वक्त अफगानिस्तान में वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी को भेज सरकार के खिलाफ हो रहे विद्रोहों को जवाब दे रही थी तो वही अमेरिका ने इसके खिलाफ काम करते हुए अफगानी लड़ाकों को हथियार मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान से होते हुए वो हथियार बॉर्डर पर अफगानिस्तानी लड़ाकों के पास जाते थे जिससे वो रशियन आर्मी के साथ जंग करते थे और इसी तरह अफगानिस्तान में जन्म हुआ तालिबान का जिससे आज न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान परेशान है ऐसे में अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो शायद अमेरिका कभी भी अफगानी लड़ाकों को भारत के जरिए हथियार प्रोवाइड नहीं कर पाती क्यूँकी भारत कोल्ड वॉर के दौरान ना तो सोवियत संघ के साथ था ना ही अमेरिका के साथ था इसलिए ऐसा पॉसिबल था कि इस तरह के टेररिज्म का भी जन्म नहीं होता जिससे आज कश्मीर पूरी तरह से प्रभावित है बात अगर कश्मीर की हुई है तो अगर कश्मीर यूनाइटेड इंडिया का पार्ट होता तो वहाँ अस्सी के दशक में जो आतंकवाद का बीज बोया गया था वो कभी नहीं पनप पाता और ना ही कभी नब्बे के दशक में वहाँ ऐसी कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ करके माइग्रेट होना पड़ता और न ही आतंक के साय में आज कश्मीरी मुसलमानों को रहना पड़ता न ही देश की आर्मी को वहाँ पर सालों साल रहने की जरूरत पड़ती और न ही देश के जवाब कश्मीर की वादियों में गद्दार या काफिर कहलाते कश्मीर के अलावा अगर हम पूर्वोत्तर या फिर पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर भी बांग्लादेश आज भारत का ही हिस्सा होता जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और खासकर कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के काबिल होता पाकिस्तान के बंटवारे के साथ की पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर बांग्लादेश भी उसका हिस्सा बन गया था लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने वहाँ के लोगो आरोप जबरदस्ती उर्दू भाषा को थोपने का जो काम किया जिससे वहाँ की जनता विरोध करने के लिए सड़कों आरोप आ गयी इसका नतीजा ये हुआ की भारत को आखिरकार बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने में उसकी मदद करनी पड़ी अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज बंगाली मुसलमानों का इलाका इसी यूनाइटेड इंडिया का पार्ट होते हैं जहाँ ऐसी हम नॉर्थ ईस्ट रीजन के कई सारे राज्य आरोप होने वाली चाइनीज एक्टिविटी आरोप नजर भी रख सकते थे और तो और हमारे पास बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा नेवल बेस बनाने का भी अड्डा होता जिसके जरिए हम इंडियन ओशन में आज बढ़ती हुई चाइना की दादागिरी को पहले ही कंट्रोल कर चुके होते और एशियन देशों के साथ हमारा बिजनेस और मजबूत हो चुका होता साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बांग्ला मुस्लिमों का इीगल माइग्रेशन होता रहता है वो आइडेंटिफाइड तरीके ऐसी भारत के किसी भी हिस्से में अपने आप को ग्रो कर पाते अगले पॉइंट की बात करें तो यूनाइटेड भारत में हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल आर्मी होती क्यूँकी आज जहां इंडिया के पास 14 लाख सैनिक हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास साढ़े छह लाख सैनिक मौजूद हैं। अगर हम दोनों को मिला दें, तो आज हमारी आर्मी करीब 20 लाख की होती जो कि चाइनीज आर्मी को पूरी तरह रौन देने के लिए काबिल होती और तो और ऐसी मिलिट्री को सपोर्ट करने वाली स्पाई एजेंसी यानी कि भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई, देश की सेफ्टी के लिए मिलकर काम करते लेकिन इसमें दिक्कत ये होती कि सलमान की एक था टाइगर टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों की कहानी नहीं बन पाती जो सपा भारत पाकिस्तान आपस में सिर्फ जमीनी बॉर्डर नहीं बल्कि समुद्री सरहदे भी शेयर करते हैं तीन हजार तीन सौ तेईस किलोमीटर की जमीनी सरहद के अलावा दोनों देशों की सीमा इंडियन ओशन पर भी लगती है अगर पार्टीशन नहीं होता तो भारत अपना मेरी बॉर्डर और एक्सटेंड कर पाता और भारत के पास मुंबई के अलावा कराची भी एक बड़ा कमर्शियल पोर्ट वाला शहर होता जिसके सही इस्तेमाल से हमारी जी कुछ और होती और तो और अगर भारत यूनाइटेड इंडिया होता तो उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अमेरिका चीन और रशिया जैसे देशों के बराबर कंपेयर किया जाता जिससे पूरी दुनिया से भारत ने बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आते और देश आगे बढ़ता यूनाइटेड इंडिया के साथ साथ अच्छी बात यह होती कि कभी भी धर्म के नाम पर बहुत बड़ी राजनीति को सपोर्ट करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास पाकिस्तान जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं होता और वो ये नहीं कह पाते की कैसे हमारे देश को एक धर्म की वजह ऐसी बांट दिया गया था ऐसा नहीं होता तो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग या उसे कंट्रोल करने वाली सरकार ही सत्ता में नहीं आ पाती और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बहस के नाम पर चुनाव का रुख भी डिसाइड नहीं होता अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं न कहीं डेवलपमेंट रोजगार इकोनॉमिक इक्वालिटी एजुकेशन हेल्थ जैसे सेक्टर पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता और देश में माइनॉरिटी को डिग्निफाइड तरीके से देखा ही जाता खासकर मुसलमानों को बात पाकिस्तान की तरफ की करें तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी में रह रहे हिंदू और ईसाइयों की स्थिति काफी बेहतर होती इन सभी पर उनके समुदाय के कारण जो अटैक होते रहे हैं वो ना होते एक सेक्युलर भारत में हर धर्म और समुदाय के लोगों की रक्षा होती और वो खुलकर अपनी जमीन में सांस ले पाते शायद तब ये किसी को सुनने को नहीं मिलता पाकिस्तान चले जाओ या ये तो हिंदुस्तानी काफिर है इसके अलावा भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था का अधिकतर हिस्सा डिफेंस बजट में जाता है भारत के लिए ये जरूरी इसलिए है ताकि वो बेहतर तरीके से अपने सीमाओं की रक्षा कर सके जबकि पाकिस्तान के नाम होने पर शायद ज्यादा ध्यान देश के एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर होता आखिर में जाते जाते एक बोनस पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है और वो ये है कि अगर पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ होता तो सनी देवल को टैंक उड़ाने और हैंडप उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती फिल्मों इधर हमारे कई सैनिक आज जिंदा होते क्यूँकी पाकिस्तान के बनने के साथ ही उन्नीस से लेकर उन्नीस तक हमने चार जंग लड़ी है जिसमें हजारों की संख्या में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए होंगे और बहुत भारी मात्रा में रिसोर्स और पैसे का लॉस भी हुआ लेकिन दोस्तों ये सभी बातें अनडिवाइडेड या यूनाइटेड इंडिया की महज एक कोरी कल्पना है जिसे हकीकत में कभी साकार किया जा सकता है या नहीं इस पर भी अभी कोई कुछ नहीं कह सकता क्यूँकी ऐसा बहुत बार देखने को मिला की दो देश जो एक वक्त में एक दूसरे ऐसी बट गए थे वो बाद में जाकर एक हो गए जैसे वेस्ट और ईस्ट जर्मनी नॉर्थ और साउथ वियतनाम का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा जो बाद में सिर्फ जर्मनी और वियतनाम बन गए लेकिन फिलहाल तो भारत और पाकिस्तान के लिए सबसे सही यही होगा कि पड़ोसी दुश्मन की बजाय हम सिर्फ पड़ोसी बने रहें। एक देश बनने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते आप किस मामले में क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए यार बहुत ही पॉजिटिव वीडियो और बहुत ही अच्छा वीडियो मतलब उन्होंने बनाया कि कमाल कर दिया यार ऐसी बात अच्छा बहुत सारे इंडियन जब उनके वीडियो देखते हैं ना तो मतलब एक नफरत जो लैंग्वेज होती है उसमें नजर आती है कि हाँ यार ये पाकिस्तान को लेकर इतने मतलब ना मतलब उनका जो टोन होता है एक्सेंट होता है वो बहुत हार्ड होता है हार बिल्कुल तो हाँ तो लेकिन इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वीडियो बनाया है मतलब दोनों साइडों को दोनों एंगल को दोनों तरफ और इग्नोर कर, कर दिया ऊपर वाली को देख के बोलते रहे ऐसा नहीं है इन्होंने कॉइन को दोनों तरफ से पहले उधर से फिर दूसरी तरफ से दोनों तरफ से बराबर रखा है और बिल्कुल और जो उन्होंने बोला मिलिट्री हमारी तकरीबन बीस लाख की होती चाइना को और मेरे ख्याल में इतनी की जरूरत ही ना पड़ती बिल्कुल हमारी मिलिट्री हो हाँ, सकता है हाँ, अगर इंडिया पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान सेपरेट ना होता तो इंडिया यूनाइटेड इंडिया अगर होता तो इंडिया की जो मिलिट्री है हो सकता है चौदह लाख से भी कम होती है दस लाख पे होती क्यों क्योंकि मिलिट्री की जरूरत भी आपको तब पेश आई है ना जब आप एक दूसरे देश के साथ आपकी कंफ्लिक है तो आप भी बढ़ा रहे हो इधर से वो भी बढ़ा रहे हैं तो दोनों तरफ से मतलब बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से इधर से और भी और उधर से भी लगता है और वेपन हमें बहुत ज्यादा मतलब एक चीज है सबसे बेस्ट तो ये है कि सबसे पहले तो एक अच्छे नेबर होने के नाते ना कि पॉजिटिव और दोनों देशों के बीच में ये होना चाहिए कि इकट्ठा होने की अगर बात करें तो वेरी डिफिकल्ट और जो उन्होंने सबसे पॉजिटिव बात की है ना कि पॉलिटिक्स दोनों देशों की जो पॉलिटिक्स है ना वो एक दूसरे के देश के ऊपर चलती है इंडिया की जो पॉलिटिक्स है अभी इलेक्शन आएंगे तकरीबन मेरे खाल दिन दो तीन महीने पड़े हैं इंडिया के इलेक्शन में आप देखिएगा कि जितने भी लीडर होंगे वो पाकिस्तान को क, मतलब निशाना बनाकर वोट लेंगे मतलब पब्लिक में पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर वोट जो है ना वो लिए जाएंगे और पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर वोट लिया जाता है और पाकिस्तान में जो होता है वो इंडिया के खिलाफ बोल के वोट लेते हैं इधर के पॉलिटिशियन तो ये जो चीज है ना ये ना होती तो मतलब मतलब हमें फ्रेंडली में रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मतलब अभी भी आ, अगर देखें तो हम आ, हमारे जो बड़े हैं वो इकट्ठे रहते रहे ठीक है तो उसके बाद पार्टीशन हुई ठीक है पार्टीशन हो गई है लेकिन पार्टीशन के बाद फिर हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहे या एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे ये चीज नहीं होनी चाहिए आप अपना ठीक है आप अपने देश के लिए करना है अगर आपका देश आपने अलग ले लिया तो आप उसको आगे लेकर चलो ये नहीं, नहीं है कि आप दूसरों की टांगे खींचते रहो या बल करते रहो और अब देखे कि इंडिया और पाकिस्तान अगर इकट्ठे होते तो बहुत ही ज्यादा डेवेलप देश होता और बहुत आगे होता डेफिनेटली वहाँ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे है जहाँ पर हम बहुत आगे होते बल्कि पूरी दुनिया से आगे होते और हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स यहाँ से होती यूनाइटेड इंडिया से क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑयल के रिजर्व भी होते हैं आपके पास हर चीज होती है आपके पास फूड तो है ही है आपके पास अनाज एग्रीकल्चर तो है ही है और उसके साथ साथ आपके पास हर चीज जो है वो है और आप सिर्फ जो एक दूसरे की कंफ्लिक्शन में और एक दूसरे के मतलब खिलाफ चलते हुए दोनों देशों का जो पैसा जाया होता है और बजट बहुत सारा पैसा खर्च होता है वो ना होता इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग होती बिल्कुल बिल्कुल तो काफ़ी पॉजिटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आज का आ, कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल